जब से ज्ञानवापी मसले पर कोर्ट कार्रवाई तेज हुई है तब से ओवैसी बौखलाए हुए हैं, आए दिन भड़काऊ बयान दे रहे हैं, समुदाय विशेष को उकसा रहे हैं, कोर्ट कार्रवाई पर भी उंगली उठा रहे हैं। औरंगजेब, बाबर, मुगलों को मसीहा बताने वाले ओवैसी को अब हिंदुओं का हक मांगना पच नहीं रहा। जो सैकड़ों सालों पहले गलतियां हुई, हिंदुस्तान आज भी उन्हें ढोता रहे, क्यों क्यों आज हिंदू अपने हक की बात नहीं कर सकते? ओवैसी हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद करने वालों को मसीहा बताएं तो ठीक, अगर हिंदू अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की बात करें तो गलत। एक ही देश में ये दो दो मापदंड कैसे चलेंगे? लेकिन ऐसा करने का दबाव बनाया जा रहा है ओवैसी जैसे नेताओं की तरफ से, जो आए दिन ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे ऐसे लग रहा है कि मानो यहाँ के मुसलमानों पर जुर्म ढाया जा रहा हो। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर ऐसा होता तो ओवैसी ऐसी गंदी पोस्ट ना करते। पोस्ट दिखाएं आपको, उससे पहले आपको बताते हैं कि ओवैसी ने इस बार एक पोस्ट के जरिए कैसी गंदी मानसिकता बताने की और दिखाने की कोशिश की है। वो मुगल जिन्होंने हिंदुस्तान में अत्याचार की हदों को पार कर दिया था, हिंदू महिलाओं के साथ क्या क्या किया था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि ओवैसी ऐसो की ही तरफदारी करते हैं, जिससे पता चलता है ओवैसी जैसे लोगों की नजर में हिंदुस्तान की संस्कृति और यहाँ के हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए क्या मानसिकता है। चलिए बताते हैं आपको अपनी पोस्ट में ओवैसी ने क्या लिखा। ओवैसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दी। अपनी पोस्ट में ओवैसी पूछने के बहाने असल में दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। ओवैसी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इतिहास और मुगल काल को लेकर दावा किया और कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। इस फेसबुक पोस्ट में सवाल भी उठा रहे हैं कि मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी का इशारा सब समझ रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो सबको बर्दाश्त करता है। ये हिंदुस्तान है जहां ओवैसी ऐसा बोल पा रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट से ये भी पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। आपके धर्म की बहू बेटी अगर दूसरे धर्म के प्रति आस्था दिखाए तो आप फतवा जारी कर देते हैं, फरमान सुना दिया जाता है, और आप हिंदू बहन बेटियों के साथ हुए अत्याचार को मुगलों की शान बता रहे हैं, महानता बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ओवैसी आपको, इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही देश भी ऐसी गंदी मानसिकता को समझ रहा है और इसका जवाब भी मिलेगा, जवाब कोर्ट से मिलेगा। जो भी हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ सैकड़ों साल पहले किया गया उसका इंसाफ होगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने RSS पर भी निशाना साधा, कहा RSS की शाखाओं से अलग मदरसे स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं, लेकिन ये बात अनपढ़ संघी नहीं समझ पाएंगे। हिंदू समाज सुधारक राजा राम मोहन राय मदरसे में क्यों पढ़ते थे? इसके अलावा उन्होंने RSS पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर कहा, मुस्लिम वंश पर ध्यान देना आपकी हीन भावना को दर्शाता है। देश के मुसलमानों ने भारत को समृद्ध बनाया है और आगे भी मुसलमान ऐसा करते रहेंगे। आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, तो मसला अब सियासी रंग बिरंग चुका है। कोर्ट में अभी मामला है जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। तो वहीं ज्ञानवापी के अलावा मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर दावेदारी का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, और अब दिल्ली के कुतुब मीनार और आगरा के ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग भी कोर्ट में रखी जा रही है। बड़ी बात यह कि इन सभी मामलों को मुगल काल से जोड़कर देखा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि मुगलों ने हिंदुस्तान के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवा दी थी, लेकिन मंदिर के अवशेष और साक्ष्य आज भी वहां पर मौजूद है। लिहाजा जो मुगल काल में हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर गलतियां की गई, अब उन्हें सुधारा जाए और मंदिर की जगह मंदिर ही फिर से बनाया जाए और पूजा करने का अधिकार मिले, ये तमाम मांगें अब कोर्ट में रखी जा रही हैं। बस यही वजह है कि हिंदुओं के हक की बात आते ही ओवैसी जैसे नेता आपा खो देते हैं, और बौखलाहट में ही सही, लेकिन बता रहे हैं कि वो और उनके मुगल शासकों की मानसिकता क्या थी। वो महान नहीं थे, वो अत्याचारी थे।